अपने बचपन का बदला लेने के लिए एक लड़की अपने फ्रेंड के पास पहुंचती है उसका पूरा घर बर्बाद करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी पॉइजन आईवी द न्यू सेडक्शन 1993 की एक थ्रिलर मूवी है। ये पॉइजन आईवी मूवी सीरीज का थर्ड पार्ट है, पर इसकी स्टोरी अनरिलेटेड है। आप डायरेक्टली इस मूवी को देख सकते हो, पर अगर आपको फर्स्ट टू पार्ट्स देखने हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है जहाँ से आप देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। और बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है। मेड की दो डॉटर्स है, एक का नाम है वायलेट, एक का नाम है आईवी। वायलेट और आईवी इसी घर के ओनर की बेटी के साथ खेलते हैं, इसका नाम है जॉय। एक दिन ऐसी मेड अपना काम कर रही थी, यही घर में और एक सर्वेंट भी काम करता था। इस सर्वेंट और मेड में इन दोनों में रिलेशनशिप हो गई थी। घर की ओनर की वाइफ गार्डन में काम कर रही थी तो इसी मौके का फायदा उठाकर मेड और सर्वेंट ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर में घर के ओनर जिनका नाम है आइवान ये घर पर आके आइवान मेड को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। उन्होंने सर्वेंट को फायर कर दिया। आइवान बहुत ही गुस्सा हो गया था, वो मेड से बात करता है तो मेड कहती है कि तुम हमारे बारे में तुम्हारी वाइफ को नहीं बताते, मैं और कर भी क्या सकती थी। इसका मतलब है आइवान और मेड इन दोनों में अफेयर है। ये सब बातें आइवान की वाइफ ने सुन ली, उसे गुस्सा आ गया और इस मेड को उसकी डॉटर्स के साथ घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मूवी में बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, मेड की डेथ हो चुकी है। जैसे कि हमें पता है कि उसे दो डॉटर्स थे, इसमें से एक का नाम है वायलेट जो बड़ी हो चुकी है, दूसरी का नाम है आईवी। और आईवी के साथ क्या हुआ था ये फर्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में आपको पता चलेगा। हम देखते हैं कि अब बहुत सालों बाद वायलेट जॉय से मिलने के लिए आई। जॉय ये आइवान की बेटी है, बचपन में एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड्स हुआ करते थे। जॉय जब वायलेट से मिली तो बहुत खुश थे। जॉय की मदर की भी अब डेथ हो चुकी है। रात में फिर जॉय, वायलेट और आइवान ये सब डिनर कर रहे थे। आइवान वायलेट से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वायलेट कहती है कि यहाँ के कॉलेज में उसकी एडमिशन हुई है या हॉस्टल वगैरह देखकर उसी में वो रहने वाली है। ये सुनकर जॉय कहती है तुम हमारे साथ रह सकते हो, हमारे पास स्पेयर रूम है। आइवान को ये बात पसंद नहीं आई, जॉय से कहता है कि तुम कर क्या रही हो, वो रूम तुम्हारी मदर का है। जॉय कहती है कि वायलेट मेरी बचपन की फ्रेंड है, उसके आने से उसे अच्छा लगा, इसी वजह से उसे हेल्प करना चाहते थे। वायलेट अपने रूम में जाकर उसके बचपन की एक डॉल देखती है, उसे कहती है कि अब मैं वापस आ चुकी हूँ। नेक्स्ट सीन में वो जॉय के साथ हैंग आउट कर रही थी। जॉय एक अच्छी टेनिस प्लेयर है तो उसकी सारी ट्रॉफीज वगैरह देखती है। इसी रूम में जॉय के बॉयफ्रेंड का भी फोटो था तो इसके बारे में आईवी ने उससे पूछा। जॉय कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में है, उन दोनों ने एक ही कॉलेज डिसाइड किया है, अगर दोनों का एडमिशन हो गया तो शादी कर लेंगे। इसी वजह से जॉय टेनिस में फर्स्ट आकर उस कॉलेज को इम्प्रेस करने वाली है। इसके बाद वायलेट ने पूछा क्या तुम्हारे फादर अभी भी अकेले ही है। जॉय कहती है मेरी मदर के गुजर जाने के बाद उन्होंने कभी मूव ऑन ही नहीं किया, अभी अभी उनको एक लेडी पसंद आई है पर अभी तक उन्होंने उसे डेट पर नहीं पूछा। अगले दिन जब जॉय अपनी प्रैक्टिस पर चली गई, वायलेट उसकी सब चीजें देखने लग जाती है। उसे एक हिडन बैग मिली थी जिसमें वो देखने ही वाली थी तभी वहां की मेड आ गई। रात में जॉय का बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए आया हुआ था। घर में सब लोग फिर डिनर करते हैं। बॉयफ्रेंड का नाम है माइकल और आजकल वो बहुत मेहनत ले रहा है, उसके ग्रेड्स वगैरह सब कुछ बहुत ही इम्प्रेसिव है। आज आइवान घर पर नहीं थे तो जॉय और माइकल एक पार्टी में जाने वाले थे, यहाँ पर वो वायलेट को भी लेकर जाते हैं। जॉय के फ्रेंड्स वायलेट से पूछते हैं कि तुम किस कॉलेज में हो। वायलेट का कॉलेज एकदम सीधा साधा सा है तो इस पर उसका मजाक उड़ाते हैं। वायलेट को गुस्सा आ गया, उन्हें कुछ बोलकर वहां से वो चली जाती है। वो घर आकर ड्रेसअप होते हुए हम देख सकते हैं वायलेट एक्चुअल में कॉल गर्ल है, उसे कॉल आया था। जाकर जब वो वापस आए तो जॉय और माइकल ये अभी अभी पार्टी से घर आए थे, इन दोनों को देखती है तो इंटीमेट हो रहे थे। वो उनके डोर के बाहर रुकी, इंटीमेट होते होते जॉय रुक गए। वो माइकल से कहती है कि आज मेरा मूड नहीं है। माइकल एक्साइटेड था पर वो इस बात से एंग्री हो गया, वो गुस्से गुस्से में नीचे आ जाता है। माइकल जब नीचे आया तो आईवी नीचे ही उसका वेट कर रही थी। आईवी का ड्रेस उसे बहुत अजीब लगता है, उसे पूछता है कि तुम कहाँ काम करते हो। वो प्लेस का नाम बताती है, उसे पूछती है या तुम्हें वहां की चीजें ट्राई करनी है। वो उसे सीड्यूस कर रही थी, इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होती है। माइकल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद वायलेट जॉय के पास आई, वो जॉय से पूछती है क्या कभी कभी तुम्हारा इंटीमेट होने का मन नहीं करता। जॉय कहती कि मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, शायद मेरी मदर भी वैसे ही थी इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहा करते थे। वायलेट कहती है कि मैं 14 ईयर्स की थी तभी एक लड़की के साथ इंटीमेट हो गई थी,
स्कूल में उसे सब लोग बहुत ही गलत चीजें बोलते थे, तो इसी वजह से उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। अगली सुबह जब वायलेट ब्रेकफास्ट करने के लिए आई तो उसने जॉय की मदर का गाउन पहना हुआ था। ये जब वहां की मेड देखती है तो उस पर गुस्सा हो गए। वो कहती है कि जो चीजें तुम्हारी नहीं इसे तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। वायलेट उसे बीच बुलाकर वहां से चली गई। आइवन अपनी रूम की खिड़की से देख रहे थे, वायलेट ने नोटिस किया। वो न्यूड होकर स्विमिंग पूल में स्विम करने लगती है। ये सब देखकर वो अनकंफर्टेबल हो गया। जॉय का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेनिस का मैच अब पास आ चुका है, तो इसीलिए अपनी फ्रेंड के साथ वो दिन रात प्रैक्टिस करने वाली थी। घर के पास ही उन्होंने कोर्ट भी बनवाया हुआ था। थोड़ी देर में जॉय की फ्रेंड घर में एक ड्रिंक लेने के लिए आती है। वायलेट ने ड्रिंक बनाने में हेल्प की और इसमें बहुत सारी अल्कोहल डाल दी थी। अल्कोहल की वजह से जॉय और उसकी फ्रेंड ये दोनों बेहोश पड़ गई थी। थोड़ी देर में जॉय से मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड माइकल आया। माइकल जब देखता है कि जॉय अपने कॉन्शियस में नहीं है तो बहुत ही डर गया, क्योंकि अगर जॉय के फादर आइवान को पता चल गया तो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। उसने वायलेट से हेल्प की और आइवान से छुपाते हुए उसे ऊपर वो लेकर गया। इसके बाद माइकल और वायलेट बात करते हैं। माइकल कहता है कि जॉय इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है, उसे पता है कि ये गेम उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वायलेट कहती है कि शायद इस गेम को हारना चाहती थी, वो तुमसे बोर हो चुकी है, किसी और को डेट करने की वो बात कर रही थी। माइकल को यह सब सुनकर बहुत शॉक लगा। माइकल ने रियलाइज किया कि वो वायलेट के साथ इंटीमेट हुआ था। वो वायलेट को उससे दूर रहने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। रात में जब आइवान काम कर रहा था तो उसके पास वायलेट आती है। वो उससे पूछती है क्या तुम इतना काम कर बोर नहीं होते। आइवान कहता है कि मैं इससे ट्रबल से दूर रहता हूँ। वायलेट ने कहा कि कभी कभी लाइफ में कुछ ट्रबल लेना इम्पोर्टेंट होता है। वो उसे भी रिझाने की कोशिश कर रही थी। हमने प्रीवियसली देखा कि जॉय और उसकी फ्रेंड ये दोनों ड्रंक हो चुकी थी। जॉय की ड्रंक फ्रेंड को वायलेट अपने रूम में लेकर आई हुई थी। वायलेट न्यूड होके उसके साथ सो के, यानी कि जॉय के फ्रेंड को लगे कि उसके साथ इंटीमेट हुई है। जब फ्रेंड को होश आया तो उसने रियलाइज किया कि सब कुछ बहुत ही गलत हुआ है। वो गुस्सा थी तो इसी वजह से जॉय की अब वो टेनिस पार्टनर भी नहीं रहेगी। कल रात के लिए माइकल को जॉय से सॉरी कहना था तो नीचे वेट कर रहा था। आइवी उसके सामने न्यूड होकर स्विमिंग करती है। वापस आकर आइवी ने माइकल को ड्रग्स दिए। आइवी ने जब जॉय का रूम चेक किया था उसमें उसे एक लेटर मिला था जो माइकल ने जॉय के लिए लिखा था। इस लेटर से आइवी को पता है कि माइकल को पहले ड्रग्स प्रॉब्लम थी, उसे ट्रबल में लाना चाहती थी, इसीलिए फिर से उसे ड्रग दे देती है। माइकल इसके लिए मना करता है। वायलेट उससे कहती है कि जॉय को लेकर तुमने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे पर उसने तुम पर चीट किया। और प्रॉमिसेस क्या होते हैं, वो तो तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। उसके सामने न्यूड हो गए और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। माइकल कहता है इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगली सुबह जॉय बहुत ही हैंगओवर थी। गुस्से में उसके फादर उसके पास आए, कहते हैं मुझे माइकल के ड्रग्स मिले, वो अभी भी सुधरा नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर जॉय को भी बुरा लगा। थोड़ी देर में माइकल फिर से जॉय से मिलने के लिए आया। वायलेट दरवाजा खोलती है और उसने कहा कि तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो, हमारे बीच जो भी हुआ इसके बाद तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो, उसे ब्लैकमेल कर रही थी। माइकल कहता है क्या तुमने उसे हमारे बारे में बता दिया। वायलेट कहती है कि तुम्हारे ड्रग्स आइवान को मिल गए थे, वायलेट ने उसे अंदर भी नहीं आने दिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आइवान की आज डेट थी, जिसे वो पसंद करता था उसे डेट के लिए उसने फाइनली पूछ लिया। वो सही से रेडी होकर घर से निकल गया तभी घर के फोन पर एक कॉल आता है। ये कॉल मेड के सामने ही आइवी ने उठाया। ये उसी लेडी का कॉल था जिसके साथ आइवान डेट पर जा रहा था। इस लेडी ने कॉल पर आइवान को अलग लोकेशन पर आने का मैसेज दिया। ये मैसेज आइवी उसे देती ही नहीं। एक दो घंटे के बाद आइवान वेट कर घर आ जाता है। आइवी रेडी होकर उसका वेट ही कर रही थी। आइवान ड्रिंक कर रहा था तो उसके पास वो आके उसे पूछता है कि तुम इतनी ड्रेसअप क्यों हो। वो कहती है कि आज मेरा पार्टी करने का मूड है, थोड़ा सा उसे डांस करना है, थोड़ा सा हंसना है। उसने आइवान से पूछा क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। आइवान भी इसके लिए मान जाता है। डांस करते करते वो एक दूसरे को टच करने लग गए। ये इंटीमेट हो ही जाते हैं तभी घर की मेड वहां आ गई। उसे पता चल गया कि इनके बीच में चल क्या रहा था। आइवान भी रियलाइज करता है ये सब वो गलत कर रहा था। वो ऊपर अपने रूम में गया तो आइवी भी थोड़ी देर में उसके पास आई। आइवी उसके सामने न्यूड हो गई थी तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट डे जॉय जब टूर्नामेंट पर जा रही थी तो माइकल उसका बाहर ही वेट कर रहा था। उसे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। जॉय ने कहा कि टूर्नामेंट के बाद हम बात करेंगे।
नेक्स्ट सुबह आइवन जिसके साथ डेट पर जाने वाला था उसने फिर से घर पर मैसेज दिया। इस बार कॉल मेड ने उठाया था, उसे सब कुछ चीजें पता चल गई। ये वायलट ने नोटिस किया, यही कि यही उसने उसका मर्डर कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल वायलट से बात करता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, तुम सब कुछ ये जानबूझ कर कर रही हो। अब मैं जॉय से मिलूंगा, सब कुछ सच बता दूंगा। उसके और वायलेट के बीच में जो हुआ ये भी ऑनेस्टली बताने वाला है। वायलेट कहती कि जॉय तुमसे नहीं मिलने वाली, उसने मुझसे कहा था कि अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली है। माइकल फिर जॉय को कन्फ्रंट करने के लिए घर पहुंच जाता है। वहां पर जॉय नहीं थी तो पीछे से वायलेट ने उस पर हमला कर दिया, उसके उसने हाथ बांध दिए थे। जब माइकल को होश आया तो देखता है वायलेट के पास ड्रग्स है। ये ड्रग्स सीरिंज में डालकर उसे वो ओवरडोज कर देती है। इससे उसकी डेथ हो गई। माइकल ऑलरेडी एक ड्रग एडिक्ट था तो किसी को शक भी नहीं जाएगा। जॉय अपनी टूर्नामेंट से जब वापस आई तो बहुत ही सैड थे क्योंकि वो हार चुकी है। उसका माइकल वेट करने वाला था पर माइकल भी नहीं है तो उसे बुरा लगता है। वायलेट उसके पास आई, कहती है कि हम दोनों के लिए वर्ल्ड एक ही तरीके का है, हमें सब लोग हर्ट करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है ये सब चीजें फेड हो जानी चाहिए। जॉय ने नोटिस किया कि उसकी मदर की इयररिंग्स ये वायलेट ने पहने हुए है। उस पर गुस्सा हो गए, कहती है कि अब टाइम आ चुका है, तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए। वायलेट अपने रूम में आकर उसके डॉल से कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वायलेट एक डेंजरस साइको है। थोड़ी देर में आइवान घर पर आया। कल रात उसकी जिसके साथ डेट थी उस ऑफिस में मिला था। उसे पता चल गया कि वायलेट ने सब मैसेजेस डिलीट किए थे। घर आकर इसके बारे में वायलेट को कन्फ्रंट करता है। वायलेट कहती है कि मैं जेलस हो गई थी, वो आइवान को सिर्फ अपने लिए पाना चाहती थी। आइवान कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहिए था। वायलेट कहती है पर हमारे बीच ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। उसके पास आकर उसे किस कर लेती है। जॉय को माइकल का कहीं भी अता पता मिल नहीं रहा था। उसने उसके घर पर कॉल किया तो पता चला कि माइकल का मर्डर हो चुका है। वो डिस्टर्ब होकर अपने फादर से बात करने के लिए आई तो उसने देखा कि वायलेट और उसके फादर ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो गुस्से में वहां से चली गई। आइवान को बहुत बुरा लगा। वायलेट से कहते हैं कि अभी के अभी घर से निकल जाओ। वायलेट कहती है कि तुमने मेरी मदर को घर से बाहर निकाल दिया था, तुम फिर से वही चीज मेरे साथ नहीं कर सकते, मैं होने नहीं दूंगी। जो भी सब हुआ इस वजह से आइवान को टेंशन हो गई थी, उसे हार्ट अटैक आने लग गया। वो एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था पर घर की सब लाइंस वायलेट ने कट कर दी है। उसकी गाड़ी में एक इमरजेंसी फोन था पर वो भी वायलेट ने बर्बाद कर दिया है। वो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था पर वायलेट पीछे से साइलेंसर बंद कर देती है। गाड़ी आगे नहीं जा पाती, अंदर ही अंदर धुआं पड़ने लग जाता है और इसी वजह से आइवान की डेथ हो गई। थोड़ी देर में जॉय घर पर वापस आए तो सब कुछ अंधेरा था। वो घर का फ्यूज देखने के लिए गई तो डायरेक्टली गायब था। यही फ्यूज वो क्लोजेट में चेक कर रही थी तभी उसे मेड की डेड बॉडी मिली। वो बहुत डर गए, वहां से भागने लग गए। तभी आइवी ने उसे रोक लिया। रोज उसे पूछती है कि मेरे फादर कहाँ है। आइवी ने कहा कि वो बहुत दूर चले गए हैं, हम दोनों भी वही जाएंगे, इससे पहले तुम ड्रेसअप हो जाओ। जो डर गई थी तो उसे जबरदस्ती ड्रेस पहनना ही पड़ता है। वायलेट फिर रोज को एक जगह पर बिठाती है और वहां पर डॉल भी रखी हुई थी। वो जॉय से कहती है कि अब तुम्हें चाय पीनी है, चाय पीने के बाद तुम्हारी सब कुछ प्रॉब्लम्स मिट जाएगी। इसमें पॉइजन था, ये पिलाकर उसे मारकर वो खुद सुसाइड करने वाली थी। जॉय ने जल्दी से एक चेयर वायलेट के सर पर मारी। वो भागने की कोशिश कर रही थी, वायलेट ने उसे रोक लिया। ऊपर की सीढ़ियों से जॉय उसे धक्का दे देती है। वायलेट को सर पर चोट आई और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। बचपन में वायलेट की मदर और आइवान का अफेयर था। आइवान की वाइफ को जब पता चला तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। इन सब के लिए वायलेट को बदला लेना था। जॉय को लगा कि वायलेट उसकी एक अच्छी फ्रेंड है तो इसी वजह से घर में उसे रहने के लिए दिया, पर वायलेट ने जॉय का ही घर बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।